स्टूडेंट्स वेलकम टू वर्षास ट्यूटोरियल्स आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं 10 सीबीएसई साइंस सिंपल एंड इजी मेथड में हमने स्टार्ट किया साइंस का लेसन नंबर टू, जो केमिस्ट्री का पार्ट है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स एसिड्स के जो है दोनों वीडियो एसिड को मैंने दो पार्ट में कवर किया था और दोनों वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए और आपने देखे होंगे आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम जल्दी बेसिस के ऊपर भी आप नोट्स और वीडियो अपलोड कीजिए तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बेसिस को लेके आई हूं तो आज जो है आज का जो हमारा सेशन है हम उसमें पढ़ने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कैरेक्टर सिक्स ऑफ बेसिस स्टार्ट करने के पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए मेरे सारे वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए और आपके कोई सजेशंस होंगे तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है बेसिस एसेट्स मैंने आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था हम सबसे पहले इसमें जो चैप इस चैप्टर में हम जो कवर करेंगे इस टॉपिक में हम जो कवर करेंगे वो है डेफिनेशन यानी बेस की डेफिनेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टीज उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्केली इसके बाद हम कवर करेंगे कॉमन इन बेसिस सारे बेसिस पे क्या कॉमन है नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस इसके नेक्स्ट होगा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस एंड लास्ट में हम देखेंगे यूजेस बेसिस के क्या यूज है तो चलिए हम देखते हैं जो बेस है हम सबसे पहले जैसे हमने एसिड में मैंने आपको पढ़ाया था अर्नियस एक साइंटिस्ट थे इन्हीं की कांसेप्ट को हम फॉलो करते 1884 में

OH आयन को हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन या आप इसको कह सकते हैं यानी बेसिस वो कंपाउंड्स होते हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जब हम इन्हें वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वाटर में डिजोल्व होने के बाद ये नेगेटिव आयन नेगेटिव आयन होता है या तो हम इसे कहेंगे हाइड्रोक्साइड आयन या हम इसे कहेंगे हाइड्रोक्सिलयन तो ये तो हो गई हमारी बेसिस की डेफिनेशन अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस बेसिस की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है सबसे पहले बेसिस जो होते हैं बिटर होते हैं टेस्ट में बिटर होते हैं एसिड्स कैसे होते हैं सार होते हैं तो ये जो बेसिस कैसे होते हैं बच्चों ये बिटर होते हैं टेस्ट इसके बाद हम देखते हैं जो बेसिस होते हैं दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू यानी एसिड के बिल्कुल अपोजिट आपको याद होगा एसिड जो है ब्लू टू रेड कन्वर्ट करता है जो बेसिस होते हैं ये दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू रेड लिटमस को ब्लू कलर के अंदर ये कन्वर्ट करते हैं ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई बेसिस की थर्ड है दे आर सोपी एंड स्लिपरी इन टच आपको सबने आपने सोप देखा है सोप क्या है इट इज अ फॉर्म ऑफ बेस ओनली तो ये जो है ये सोपी होते हैं और स्लिपरी होते हैं टच में इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जैसे मैंने इसके डेफिनेशन में बताया था दे प्रोड्यूस हम, हम सबको पता है इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट कर, कर, करता है एक तो इलेक्ट्रिसिटी हमेशा कंपाउंड एक्व में कंडक्ट करता है एक्व फॉर्म में वो कंपाउंड कंडक्ट करता है जो वॉटर के अंदर आयोनाइज हो जाता है एसिड एचप्ल आयन में आयनाइज हो जाते हैं इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जो बेसिस है वो ओ एच नेगेटिव आयन देते हैं ही होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी uh, करते हैं तो इसलिए ये हाइड्रोक्सिल आयन देता है इसलिए जितने भी बेसिस दे आर गुड इलेक्ट्रोलाइट्स और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो ये मैंने आपको डेफिनेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज ये आपको क्लियर हो गया होगा चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्लियर आपने सुना है जैसे हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली है लेकिन वही हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो हम कहते हैं बेस है तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले तो आप ध्यान रखिए कि जो बेस है एं है एंड हमने बेस की डेफिनेशन बताई थी जब हम जो सब्सटेंस जब हम इन्हें वाटर में डिजोल्व करते हैं ये ओय चाइन देते हैं बेस और एल्कली दोनों ओय चाइन देंगे लेकिन अब दोनों में डिफरेंस क्या है हम देख लेते हैं जो बेस है Most bases, जो बेस है तो देते हैं, लेकिन वो वॉटर के अंदर कम्प्लीटली होते देते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ओयचाइन इसीलिए वो बेस है लेकिन जब हम इन्हें वॉटर में वॉटर uh, के अंदर डालते हैं तो ये वॉटर के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होते ये सिर्फ ओयचन प्रोड्यूस करते हैं वॉटर के अंदर ये सल्यूबल नहीं है ये इनसेल्यूबल है तो जो इनसेल्यूबल सब्सटेंस uh, होते हैं जो ओएच हाइड्रोक्सिल आयन तो देते हैं लेकिन वाटर में सल्यूबल नहीं है उन्हें हम कहते हैं बेस। हम देख लेते हैं FeOH होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है आप जानते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स नीचे लेस रिएक्टिव होती जाती है तो जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है आप यहां देख रहे हैं ओएच होल थ्राइज यानी वाटर के अंदर डालने पर हाइड्रोक्सिलाइन तो देंगे लेकिन ये वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता तो इसलिए हम इसे कहते हैं बेस सेम क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड भी वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता हाइड्रोक्सिलाइन देता है लेकिन वाटर के अंदर ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होता अब हम इसके बाद बात करेंगे अल्कली की अल्कली जो है बेसिस टली डिजोल्व इन वाटर यानी वो बेसिस जो हाइड्रोक्सी लाइन तो दे रहे हैं लेकिन जब आप इन्हें वॉटर में डालते हो ये वॉटर के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं ये कंप्लीटली सल्यूबल होते हैं तो जो कंप्लीटली सोल्यूबल बेसिस होते हैं उन्हें हम कहते हैं एल्कली और इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है एनएओ सोडियम हाइड्रोक्साइड के ओ एच पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सी एच होल्डाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये हमारे कॉमन यूज होने वाले बेसिस हैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जो सल्यूबल बेसिस है, है वो ज्यादा तो हो गया होगा डिफरेंस है हमारी जो पीरियोडिक टेबल है अब पीरियोडिक टेबल तो आपको डिलीट हो गई है लेकिन जो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप आता है उसके अंदर जितने भी मेटल्स आती है वो सब के सब करती है तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट डेट लेते हैं अच्छा एक इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगी ऑल आर बेसिस, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्के यानी एल्लीज बेस तो हो ही एल्कलीज भी वो सब्सटेंस होंगे जो ओ एच आईन देंगे तो इसका मतलब एल्कलीज सारे एल्कलीज बेस है क्योंकि लेकिन एल्केली कंप्लीटली वाटर में सेल्यूबल होते हैं लेकिन जो बेस होते हैं वो इनसेल्यूबल होते हैं तो ऑल एल्कलीज आर बेसिस एल्लीज तो बेसिस होंगे क्योंकि वो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज सारे बेसिस एल्लीज नहीं होंगे क्योंकि जो बेसिस होते, है, होते हैं वो इनसेल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है अब हम देखेंगे वॉट इज कॉमन इन ऑल बेसिस बेसिस के अंदर क्या कॉमन होता है सारे बेसिस के अंदर। आप याद रखना बेसिस वो होते हैं जिन्हें वॉटर में डिजोल्व करने पर वो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं जैसे हमने देखा NaOH, KOH, के ओ होल ट्राइस, अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ एल्कोहल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है आप यहां देखिए एल्कोहल है, C2H5OH. ये एल्कोहल है यहां पर भी ओ OH एच आयन है आप देख रहे हैं हाइड्रोक्साइड है लेकिन जब ये न्यूट्रल कंपाउंड है जब हम इन्हें इसे वॉटर में डिजोल्व करते हैं ये हाइड्रोक्सिल आयन नहीं देगा इसका मतलब ये बेस नहीं है तो जो बेस है बेस के अंदर कॉमन क्या होगा जब हम इन्हें वॉटर में डिजोल्व करते हैं दे प्रोड्यूस आयन इन वॉटर वो हाइड्रोक्सिल आयन वॉटर में प्रोड्यूस करते हैं एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड है जब इसे हम वॉटर में डिजोल्व करते हैं तो सोडियम हम सबको पता है ये जो एक्वस फॉर्म में ही आयनाइजेशन होगा और हाइड्रोक्साइड आयन ओ एच माइनस आयन तो ये ओ एच OH आयन दे रहा है वॉटर के अंदर इसलिए ये बेस एमजी ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसे जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं Mg2 टू प्लस आयन देता है प्लस ओ एच माइनस आइन यानी ये जो जब ये वाटर के अंदर देंगे ये सब हम इन सारे बेसिस में कॉमन है अब एल्कोहल जब वाटर में डिजोल्व करता है तो ओ OH एच नहीं देता है इसलिए जो एल्कोहल है वो न्यूट्रल कंपाउंड है वो बेस नहीं है तो वाटर इज कॉमन इन ऑल बेसिस दे ऑल गिव ओ एच आयन इन वॉटर ये आपको क्लियर क्या होगा चलिए अब हम नेक्स्ट इसका आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हम क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम सबसे पहले ऑन क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ मतलब आयनाइजेशन पावर इसका मतलब क्या होता है कि जब आप बेसिस को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो वो कंप्लीटली आयनाइज होते हैं या नहीं मतलब वो कंप्लीटली हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं या नहीं तो हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ का मतलब होता है उसकी आयनाइजेशन कैपेसिटी यानी आप वाटर में जब इसको डिजोल्व करते हैं तो ये लार्ज अमाउंट में कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं कंप्लीटली डाउन हो जाते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है स्ट्रॉन्ग बेस एंड दूसरा है हमारा वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं हम बहुत कॉमनली जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप के अंदर है ये बहुत जो स्ट्रांग ये बहुत स्ट्रांग बेसिस होते हैं जब हम इन्हें वाटर में डालते हैं ये कंप्लीटली डिजोल्व होके कंप्लीटली डिसोशियट होके हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये जो स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होंगे दे दे कंप्लीटली आयनाइज एंड प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिलाईड इसके अंदर जितने भी हो आयन है ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं तो वो होंगे हमारे स्ट्रोंग बेसिस और ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हम सब जानते हैं ये सल्यूबल बेस है जिसे हम स्ट्रोंग एल्कली कहते हैं अब हम दूसरा देख लेते वीक बेसिस Weak वो होते हैं जब आप इन्हें वॉटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो इनका पार्शियलेशन होता है ये कंप्लीटलीउन नहीं होते तो ये जो पार्शियली आयोनाइज होते हैं एंड दे प्रोडर ऑफ हाइड्रोक्सिलाइन तो नेचुरली हाइड्रोक्स जो बेस, बेसिक नेचर है वो तो हाइड्रोक्सीलाइन के ऊपर डिपेंड करता है तो ये लेस नंबर में हाइड्रोक्सीलाइन प्रोड्यूस करते हैं जब हम इन्हें वॉटर में डालते हैं तो उन्हें हम कहते हैं वीक बेसिस इसका कॉमन एग्जाम्पल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिथियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट ग्रुप के अंदर सोडियम एंड पोटेशियम तो है लेकिन आपको पीरियोडिक टेबल अब अनफॉर्चुनेटली आपकी डिलीट हो गई है अदरवाइज जो पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ग्रुप में मेटल की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है बट लिथियम सबसे फर्स्ट एलिमेंट है इसलिए ये जो है वीक बेस है उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये जो है कंप्लीटली पार्शियली आयनाइज होते हैं वॉटर में ने. तो ये सब है हमारे वीक बेस अब हम इसके बाद देख लेते हैं फर्स्ट आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ यानी आयनाइजेशन पावर कैसे वाटर के अंदर ये कंप्लीटली हाइड्रोक्सिल आयन दे रहे हैं या नहीं हम स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस में इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं अब दूसरा देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि जो बेसिस है इसके अंदर वॉटर का परसेंटेज कितना है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन में स्ट्रांग एंड वीक बेस से हमें मतलब नहीं होता ये डिपेंड करता है वहां पर वाटर का परसेंटेज कितना है इसे भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है कंसंट्रेटेड बेस कंसंट्रेटेड बेस वो बेस होता है जहां मोर अमाउंट ऑफ बेस होगा एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर होगा यानी एग्जांपल हमने ये दी 90% आपने यहां बेस डाला है और 10% आपने यहां पर वाटर डाला है तो यहां पर बेस का परसेंटेज ज्यादा है तो ये जो है ये जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड बेस होगा और यदि हम डाइल्यूट बेस की बात करते हैं तो मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ बेस यानी हम मैं बोल सकती हूं आपको यहां पर 80 परसेंट यहां पर वाटर है और 20 परसेंट यहाँ पर बेस है जैसे एग्जांपल हम बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एनएच मतलब कॉन्सेंट्रेटेड एनएच में एनएच का परसेंटेज ज्यादा है वॉटर का परसेंटेज न

क्लासिफिकेशन uh, करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी इसका मतलब ये हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस करके खुद उसकी पोजीशन ले लेता है यानी H प्लस आयन को रिप्लेस करेगा और OH आयन खुद आ जाएगा इसलिए हम इसे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी अब देखिए इसको भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है मोनो एसिडिक बेस डायसिडिक बेस एंड ट्राई एसिडिक बेस मोनो एसिडिक बेस मतलब जब आप जब हम इन्हें वॉटर में डिजोल्व करते हैं तो आप देखिए एन के ओ एच इसमें सिर्फ एक ही आयन है मतलब जब हम इन्हें वाटर में डिजोल्व करते हैं ये सिर्फ वन ओ एच आयन देते हैं मोनो का मतलब होता है वन यानी ये हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक ओ एच आ जाएगा तो ये जब एक वन ओ एच Uh, इसके अंदर वन एच आज आता है जब ये हम इसको डिजोल्व करते हैं ये वन ओ एच देता है एक ही ओ एच आईन देता है हम इसे कहते हैं मोनो एसिडिक बेस डाई एसिडिक बेस देखेंगे जब हम इन्हें वॉटर में डिजोल्व करते हैं तो ये दो ओ एच आईन देता है जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप यहां देख रहे हैं क्रॉस वैलेंसी होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ओ एच आईन की वैलेंसी वन होती है कैल्शियम की टू होती है यानी हम इस इनको जब वॉटर में डिजोल्व करते हैं तो ये टू ओ एच आईन देता है MGO छोड़ भाई ये जो वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये 2 OH आयन देता है तो हम इन्हें कहते हैं डाइएसिडिक बेस थर्ड हम देख लेते हैं ट्राईएसिडिक बेस यानी जब हम इन्हें वाटर में डिसॉल्व करते हैं जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड KAl(OH)3 एल आप यहां देख रहे हैं ये 3 OH आयन देंगे जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये आपको क्लियर हो गया होगा हम क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ करते हैं उसमें आएगा हमारा बेस बेस वीक ऑन द बेसिस ऑफ हम करते हैं जिसमें हमारा आएगा कॉन्सेंट्रेटेड हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसिडिटी जिसके अंदर आएगा मोनो एसिडिक डाई एसिडिक एंड एसिडिक बेस तो आपको ये क्लासिफिकेशन पार्ट क्लियर हो गया होगा चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ ही रहे हैं केमिस्ट्री और आप सब जानते हैं बच्चों केमिस्ट्री क्या है इसमें इक्वेश केमिकल रिएक्शंस होती हैं किसी को कुछ, कुछ बच्चों को ये बहुत टफ लगता है एक्चुअली आपको इसका लॉजिक समझ में आना चाहिए तो केमिस्ट्री बहुत सिंपल सब्जेक्ट है तो अब इसका जो मेन पार्ट आता है केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस इसमें हम सबसे फर्स्ट देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स यानी बेसिस की मेटल के साथ रिएक्शन क्या होती है यहां मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बताना चाहूंगी सारी मेटल्स बेस के साथ रिएक्शन नहीं करती जितनी मैक्सिमम मेटल्स है वो बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं करती ओनली फ्यू मेटल्स दे रिएक्ट विद बेसिस अब वो कौन सी फ्यू मेटल्स हैं एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम है जिंक है लेड है, है ये होती है एम्फोटेरिक मेटल्स एम्फोटेरिक मेटल्स का मतलब क्या है इनका नेचर एम्फोटेरिक नेचर होता है यानी ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करती, करती, तो तो करती है बेस के साथ भी रिएक्ट करती है तो ये जो मेटल्स होती है एल्यूमिनियम एंड लेड, ये तीन मेटल्स ऐसी होती है जिनका नेचर एम्फोटेरिक होता है तो ये एम्फोटेरिक जो मेटल्स होती है ये रिएक्ट करती है बेस के साथ अदरवाइज मैक्सिमम मेटल्स बेस के साथ रिएक्शन नहीं करती और ये जो एम्फोटेरिक मेटल्स है एल्यूमिनियम जिंक एंड लेड ये जब रिएक्शन करती है बेस के साथ तो ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है हम देख लेते हैं एनएओएच हम जानते हैं एट ये बेस है इसके रिएक्शन करते हैं हम जिंक सॉलिड जिंक एम्फोटेरिक मेटल है एम्फोटेर इसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है तो जिंक के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है Na2ZnO2 आप देख लीजिए Na2ZnO2 इसका नाम है सोडियम जिंकेट सोडियम जिंकेट ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है ये बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है अब यहाँ पर जो आप सोडियम जिंकेट देख रहे हैं सोडियम की तो वैलेंसी हम सब जानते हैं प्लस वन होती है जो जिंकेट आयन है इसकी वैलेंसी होती है टू माइनस आप देखिए यहां पर टू लिखा हुआ है तो ये जो जिंकेट है ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है हाइड्रोजन गैस की तो हमको टेस्ट पता ही है हम पहले तो हाइड्रोजन को डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर में हम कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि वाटर में सल्यूबल नहीं है तो हाइड्रोजन गैस डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से हम इसे कलेक्ट कर लेते हैं और जो हम उस, उसके सामने बर्निंग मास्टिक या कैंडल लेके जाते हैं तो पॉप साउंड के साथ एक्सप्लोजन होता है जो हाइड्रोजन की कंफर्मेशन टेस्ट है अब हम दूसरी मेटल एल्यूमिनियम देख लेते हैं एल्यूमिनियम जब एनए यानी यानी के साथ रिएक्ट करेगी ये भी एक्वस है सॉलिड। ये जब रिएक्ट करेगी तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाएगी सोडियम एल्यूमिनेट ये एग्जाम में ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में आती है सोडियम एल्यूमिनेट यहां पर सोडियम की वैलेंसी प्लस वन है लेकिन जो ए एल ओ टू ये एल्यूमिनेट ये पॉलीएटॉमिक आयन है जिसकी बैलेंसी थ्रीमस है तो ये एनएलओ टू ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाता है जिसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है तो ये आपको क्लियर हो गया होगा एल्यूमिनियम एंड जिंक लेट का भी सेम है लेट भी सेम उसी मेथड से रिएक्ट करता है तो ये सोडियम जिंकेट एंड सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है अब हम अगले इसके ऊपर बढ़ते हैं रिएक्शन विद नॉन मेटलिक ऑक्साइड आप देखिए जो बेस है एनिओच है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये जब हम सबको पता है कि जो नॉन मेटल की ऑक्साइड है हमेशा याद रखना कि जो मेटल की ऑक्साइड होते हैं हमने पहले पढ़ा था वो बेसिक होते हैं नेचर में लेकिन जो नॉन मेटल की ऑक्साइड है वो एसिडिक होते हैं तो एसिडिक होते हैं तो आराम से वो बेस के साथ रिएक्शन कर लेंगे हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन नॉन मेटल है इसकी ऑक्सीजन के साथ रियक्ट रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर हम देखते हैं एसिडिक होता है ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है जो एसिडिक होता है नेचर में तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो हम सब जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी सॉल्ट एंड वाटर बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड वॉटर बन जाएगा ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में इसलिए वो बेस के साथ रिएक्शन कर लेते हैं लेकिन जब हम बात करते हैं मेटल ऑक्साइड की जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है सोडियम ऑक्साइड है पोटेशियम ऑक्साइड है मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये बेसिक होते हैं नेचर में बेसिक होते हैं तो वो बेस के साथ तो रिएक्शन कर नहीं सकते तो इसलिए मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते बट नॉन मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक होते हैं नेचर में वो बेस के साथ रिएक्शन होके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं तो ये आपको दोनों रिएक्शन आपके क्लियर हो गई होगी अब हम थर्ड रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं

हमने इसकी रिएक्शन की है बेस ये एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है दोनों ने आपस में रिएक्शन की हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या एसिड बेस रिएक्शन एक और एग्जांपल क्विकली देख लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं एक्वस ये सब एक्वस में होंगी रिएक्शन मैं लिख देती हूँ यहाँ पर एक्वस 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 सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है सॉल्ट बनता है सोडियम क्लोराइड एंड वॉटर बनता है ये हमारी सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यहाँ पर मैं एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रो एचनेस आइन एंड ओ एच आइन वेन देव इन वाटर यानी हम एसिड का जब डाइल्यूशन करते हैं आप ध्यान से सुनिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है जब एसिड को हम डाइल्यूट करते हैं मतलब हम एसिड में वॉटर डालते हैं तो हमेशा याद रखना कि जब हम एसिड का डाइल्यूशन करते हैं जब एसिड में हम वाटर डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन जो है पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होता है हाइड्रोजन आयन जो है पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होता है कैसे बहुत सिंपल है ये एच है हमारा एसिड है ये वाटर के अंदर जाके एच प्लस एंड सीएल माइनस आयन देता है ये हाइड्रो एच प्लस आयन देता है वाटर भी एच प्लस एंड ओएच आयन में डिसोशिएट हो जाता है लेकिन ये जो एच आयन है आपको पता है ये अनस्टेबल है ये वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है और हाइड्रोनियम आयन भी एच प्लस ओएच में कन्वर्ट हो जाता है तो ये जो है एच प्लस आयन तो ये आप देख रहे हो ये अनस्टेबल है तो एच जो आयन है हाइड्रोजन प्लस आयन है जो है ये पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होता है लेकिन बेस में ऐसा नहीं होता जब हम बेस का डाइल्यूशन करते हैं जब हम बेस को वाटर में डालते हैं तो बेस को जब हम वाटर में डालते हैं तो जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होता है क्योंकि यहाँ पर ओ एच आयन स्टेबल आयन है NaOH को जब आप वाटर में डालते हैं तो Na+ प्लस माइनस OH देता है तो ये जब बेस को हम डाइल्यूशन करते हैं तो पर यूनिट ओ एच आयन का पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होता है लेकिन जब हम एसिड का डाइल्यूशन करते हैं तो एच प्लस आयन का जो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो ये दोनों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे चलिए अब हम इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं यूजेस बेसिस जैसे हमने एसिड में देखा था इंडस्ट्री में बहुत यूज होता है बेसिस के भी काफी यूज होते हैं सबसे पहले हम हमारा इंपॉर्टेंट फर्स्ट बेस एन ईओ एच यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हम इसका देख लेते हैं इसका कहाँ कहाँ यूज होता है मैन्युफेक्चर इन सोप आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब आप देखोगे कि सोप के मैन्युफैक्चर में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है रेन बनाने में इसका यूज होता है इसके अलावा लेबोरेटरी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट एल्कली हमारा पूरा रिएक्शन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल रहता है इंडस्ट्री के अंदर ये एज अ स्टार्टिंग मटेरियल बहुत सारे कंपाउंड बनाने में एज अ स्टार्टिंग मटेरियल सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है दूसरे हम देख लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है हम सब जानते हैं व्हाइट वॉश जो पेंट बनाने में व्हाइट वॉशिंग में इसका यूज होता है और ब्लीचिंग पाउडर जब मैं आपको सॉल्ट पढ़ाऊंगी ब्लीचिंग पाउडर में मेन जो होता है यूज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बहुत इंपॉर्टेंट एंटा एसिड है हम सब जानते हैं जब हमें स्टमक में एसिडिटी होती है स्टक में एससीएल का परसेंटेज ज्यादा हो जाता है ये बेस है एसिड बेस आपस में न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें थोड़ी देर में ठीक लगने लगता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एज एंटा एसिड मेडिसिन के अंदर यूज होता है अब हम बात करेंगे सोडियम सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट ये भी बेस है का यूज होता है सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर आप सबको हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर पता है हार्ड वाटर यानी जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट एंड क्लोराइड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं तो इसके सॉफ्टनिंग के प्रोसेस में हम सोडियम कार्बोनेट डालते हैं इसके अलावा वॉशिंग सोडा बनाने की प्रोसेस में भी सोडियम कार्बोनेट यूज होता है सोडियम सोडा का फॉर्मूला ही होता है NA2CO3 जो हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट इसके अलावा हम ले देख लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट ये एंटा एसिड है हम सब जानते हैं ये सोडा होता है एंटा एसिड यूज होता है एज एंटा एसिड यूज करते हैं और फायर एक्सटिंग में हम इसको यूज करते हैं तो ये सारे थे यूज ऑफ बेसिस तो आपका ये बेसिस जो आपकी बहुत मुझे कंटिन्यूस रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम जल्दी अपलोड कीजिए बेसिस तो मैंने आपको ये पूरे टर्म्स क्लियर कर दिए हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा एंड में मैंने नोट शेयर किए उसको क्विकली राइट डाउन कीजिए स्पेशली रिएक्शन हमेशा खुद लिखिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो में जुड़िए हम करेंगे सॉल्ट